मजा आ रहा होगा। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उठ जाओ तो आप जाओ, चलो शाबाश, चलो उठो उठो, जाना है हमने, चलो टैक्सी आने वाली है, चलो। तो जैसे कि यार आपको पता है कि हमारी सुबह की फ्लाइट है सुबह 10 बजे की, अभी हो रहे हैं सुबह के 6, तो अभी हमें यार निकलना है लंकावी के लिए। हाँ भाई, हो रहे बंद, हो रहे दबाना पड़ता है, थोड़ा फुल दबाओ, अब हो जाएगी। हाँ तो भाई हम दोनों रेडी हैं, बाहर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं। चलो 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 चलो, भैया चेकआउट है। तो यार यहाँ से जल्दी से हम चेकआउट करते हैं, फिर आपको टैक्सी में मिलते हैं। कल ही मैंने टैक्सी बुक कर ली थी। तो यार गाड़ी में बैठ चुके हैं, तकरीबन हमें एक घंटा लग जाएगा। How much time, brother? इंशाल्लाह 45 minutes to 1 hour, इंशाल्लाह। Okay. सर हमारी अम्ब्रेला ना उसके अंदर रह गई थी टैक्सी के अंदर, वो चला गया है मेरे ख्याल में, उसको मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, देखता हूँ कि पकड़ पाता हूँ कि नहीं। वो जा रहा है यार, चला गया वो। हाँ चला गया। सर हमें बोर्डिंग पास मिल चुके हैं हमारे, तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और हमारी फ्लाइट का टाइम होने ही वाला है, घंटे के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे लंकावी की तरफ। फ्लाइट यार है 40 मिनट डिले नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, तो क्या करेंगे 40 मिनट 40 मिनट यहाँ पे नाश्ते हैं फिर और क्या करें। तो यहाँ पर रुके हम, थोड़ी सी चीजें लेनी थी, जैसे कि पावर बैंक हमें नीड थी, हमें ये भी नीड थी, मुझे थी ना यार नीड, कितनी नीड थी यार, तुम्हें नीड थी भाई मुझे तो नहीं। चलो यार ये भी ले लिया है और ये अभी देख रहे हैं अगर इसकी स्पीड से ये तो हम ले लेंगे, इसकी साउंड अच्छी है ले ली, क्योंकि यार कभी पब्लिक प्लेस पे आपको एडिट वगैरह करना पड़ता है तो कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो ना, इस वजह से मैंने ये लिया है। तो अभी यार हम ये हेडफोन ले रहे हैं, पावर बैंक ले रहे हैं क्योंकि बहुत स्लो चार्ज कर रही थी। कितना 4 मिनट में 1% यार, 4 मिनट में कितने में, तो मेरे ख्याल में तुम फूके मार के भी उसको फूफू करके कर लो चार्ज, ऑलरेडी एक है सिप्टेन वो सही कर दिया था जिससे। तो ये तो ले रहे हैं ना, ठीक है चले चले चलते, ओके थैंक यू बाय बाय। सर काफी ज्यादा बोर हो रहा था, मैंने कहा कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा, इसी बहाने हमारा ना फ्लाइट का टाइम भी हो गया, तो हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। प्लेन में बैठ चुके हैं हम और हमारी ये सीट नहीं है, तो मेरी तो ये है, तुम्हारी उधर है, वहाँ पर जाना है तुमने अकेले। उधर बैठना है, उधर उधर विंडो, इधर भी विंडो नहीं है आज, विंडो सीट नहीं मिली हमें यार, किस्मत में नहीं थी आज, आज मैं सुकून से सफर करूंगा, शुक्र है उधर हो तुम, जाओ। हाँ भाई तो यार हम लैंड हो चुके हैं, अभी उतरना है नीचे हमने। उतरो भाई साहब, यार हम लैंड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा शोर है यहाँ पर, काम बज रहे हैं, मजा है आज की फ्लाइट का यार, एक घंटे में फ्री हो गए हम। तो यहाँ से निकलते हैं, अपना सामान वगैरह लेते हैं और आगे का प्लान बताते हैं आपको। हाँ तो आप बैग संभालो यार, टैक्सी वैक्सी करनी है, पकड़ो इसको, पहुँच गए हम अपनी मंजिल पर, चलो। थक गए यार, थक गए अभी से, सफर कराते हैं यार, क्या हो गया तो आप घूमने आओ तुम, क्या तुम्हें घर बैठे बैठे सारे नजारे लेने हैं क्या, 2 घंटे तो है यार, चलो सो जाना अभी जाके, होटल जा रहे हैं सो जाएंगे बस। ओ तो भाई टैक्सी में बैठ चुके हैं हम, बैग कहाँ है, बैग तो ले आओ, बैग तो पीछे रख दिया। हाँ। चलो ठीक है ठीक है, उतरो भाई साहब आ जाओ। तो फाइनली यार हम अपने रूम पहुंच चुके हैं, आपको मैं रूम दिखा देता हूँ एक दफा, कितना प्यारा रूम है यार, खुला खुला आप देखें, ओपन माहौल है भाई यहाँ पर, सामने का व्यू भी आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है। बाकी मैं आपको ना दिखाता हूँ रूम अंदर कैसा है, वॉशरूम में दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाता हूँ, ये देखें यार, यहाँ से सबसे पहले आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ, कोई है तो नहीं। और उसके बाद यहाँ से आपको मैं रूम भी दिखा देता हूँ, यहाँ से व्यू देख लें यार, और इसके काम देखें, आते साथ खाने की किताब खोल के खड़ा हो गया, तुम्हें खाने के अलावा कोई काम नहीं यार, तुम खाना घर में खाना नहीं मिलता तुम्हें। तो यार कब से मेरी नजर इधर ही पड़ी हुई यार, मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द उस साइड पे चले जाएं, लेकिन तो आप कह रहे थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, बट मैंने उसको मना लिया है, हम अभी थोड़ी ही देर में निकलने वाले यार समंदर वाली साइड पर, यार मतलब पानी वाली साइड पर, बीच वाली साइड पर, जहाँ पर हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, आज देखते हैं हमें कितना टाइम मिलता है और हम कितनी चीजें कर पाते हैं। तो यार अभी हम जाने लगे हैं एक बीच पर जिसका नाम मुझे बिल्कुल नहीं याद रहा, मैं 2 घंटे से याद कर रहा हूँ, भाई मुझे याद करा रहे थे अभी, व्हाट वाज द नेम ब्रदर, तंगा बीच,
चंगा बीच यार जो भी है तंगा बीच जनताई तंगा बीच ये यार जो भी है मतलब बीच पे जा रहे हैं वहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। उन्होंने कहा बहुत मजा आएगा आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं आप जैसे कि जेट स्की कर सकते हैं पैराग्लाइडिंग पैरासेलिंग टाइप इस तरह की चीजें होती है सारी। तो यार लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं और इसके काम देखें इसके काम देखें बेचारा यार थका हुआ तो आप भाई साहब उठ जाओ यार क्या हो गया यार तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई यार रास्ते में सो गया ये इसको व्यू से कोई मतलब नहीं था यार मेरी तो नींद सारी खत्म हो गई मैं तो रात को ही सो गया तुम कैसे सो रहे हो अभी बाहर निकलो तुम्हारी सारी नींद उड़ जाएगी चलो उठो इतने अच्छे अच्छे नजारे देख रहे थे तुम असली में देखो ना सामने तो देखो कैसे हो भाई ठीक हो यार हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करने लगे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर हम जेट स्की भी चला सकते हैं और भी काफी ज्यादा चीजें हम कर सकते हैं इसके लिए टाइम लगेगा इसके लिए मैं आया हूँ यार इसके लिए आया हूँ यार ये भी कराना यार भाई को बच्चा रो रहा है स्नॉर्कलिंग भी करनी है यार ठीक है खुश ओके अभी के लिए जो करना है ना वो तो सुन लो ना अभी के लिए क्या डिसाइड किया है पैरासेलिंग गर्मी में सिप्तैन कैसे एंजॉय होगा ऊपर जाओगे ना टेम्परेचर डाउन हो जाएगा थोड़ा ठंड लगेगी चलो इतना ऊपर भी नहीं जाएगा चलो ठीक है आ जाओ तो यार थोड़ी देर के अंदर हम करने लगे पैरासेलिंग और बड़ा ही मजा आने वाला है व्यू भी आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा व्यू है यार माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नजारा है लेकिन हमने कपड़े देखो कौन से पहने हुए हमें याद ही नहीं रहा कि हमने चेंज भी करना है हमने कहा जल्दी जल्दी जाते ये ना हो ये भी बाकियों की तरह बंद हो जाए हमने बेवकूफी की है क्या पहन के आ गए हम चलो कोई इशू नहीं है एंजॉय करेंगे मजा आएगा कैसे आप मैं गीला नहीं होना चाहता यार मैं हो चुका हूँ यार तो भाई अब इस बोर्ड से हम जाएंगे इस बड़ी वाली बोर्ड पर और यही हमें कराएगी पैरासेलिंग वी कैन गो नाउ चलो भाई इट्स सो डीप सो वी कैन जंप वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ही देर में हमारा भी यही हाल होगा हम भी ऐसे हवा में लटके होंगे तो यार लाइफ जैकेट पहनाना बहुत जरूरी है इससे तुम तैरते रहोगे अगर गिर भी गए तो यार फाइनली हम रेडी हो चुके हैं इस पैराशूट पर लटकने के लिए टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है भाई उतना आसान ही जितना लग रहा है बस मोबाइल को टाइट रखना है मैंने मोबाइल गिर गया ना काम खराब हो जाएगा इसको पकड़ो इसको इसको थोड़ा नीचे यहाँ से थोड़ा सा आप ही ओके एक हाथ से हो जाएगा कंट्रोल मेरे से पक्का पक्का इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आया मजा आ गया बस यार गिरे ना और कुछ नहीं होगा गिर गए तो क्या हो जाएगा पानी में जाएंगे ना चपैक चपैक करेंगे यार वो देखियो यार वो बोट हमें खींच के लेके जा रही है ओ भाई साहब आराम से यार ओए ऊपर चले गए हम और ऊपर वो अल्लाह अकबर भाई ये गिर गया तो टैंक गिर गया तो मैं दो मछली पानी में गई और करेंगी चपाक कैसा फील हो रहा है भाई साहब बहुत मजा आ रहा है टैंक गार्डन हो रहा है कि नहीं हो रहा नीचे देखो यार कितना नीला पानी है तो आसमान लग रहा है यार तो अब इसके बाद मैंने पता है वो चलानी है वो देख रहे हो बाइक जा रही है जेट्स की वो चलानी है मैंने हर हाल में मुझे बहुत अच्छा लगता है देख रहे हो कितना स्पीड में जा रहे हैं वो बड़ा मजा आएगा तुम्हें भी मुझे भी ओके तो भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है अब आपको शायद ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा होगा इस टाइम आपको मजा आ रहा होगा डॉक्यूमेंट्री भी चलती रहेगी और हमारे वीडियो भी देखते रहेंगे कैसे हैं आप ठीक हैं आप तो आप इस टाइम बताएंगे किस तरह फील हो रहा है उनको अभी बहुत अच्छा लग रहा है यार मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना मजा आएगा यहाँ पे अच्छा मैंने समझा हुआ था कि जस्ट फजूल चीजें होती हैं लेकिन यहाँ पर जब मैं बैठा तो मुझे यकीनन इतना खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकता अच्छा जी
ओए बहुत झटके दे रहे हैं भाई, नीचे उतार रहे हैं ना, इस वजह से झटके आ रहे हैं। ओह भाई यार सीधा 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 भाई, लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, जैसे एरोप्लेन की लैंडिंग मुश्किल होती है वैसे ही यार ये भाई जानबूझ के कर रहा, मुझे पता है ये जानबूझ के कर रहा है। ओ भाई साहब फाइनली वी आर सेफ। Like this. खोलो भाई, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था हमें। वो कुछ गिरा है प्राप। वो कुछ नहीं हुआ, चल यार। मेरा वॉलेट गिरा है लगता है। नहीं वॉलेट तुम्हारा इधर था। नहीं नहीं मेरा उधर लॉकर में था, शुक्र है। आ जाओ भाई आ जाओ। चलो ब्रो बड़ा मजा है यार, बहुत मजा है, आपको बता नहीं सकते। काफी अच्छा। तो भाई मुझे कह रहे थे कि ना आप फोन ना लेके जाएं तो इशू होगा, आपका फोन गिर सकता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, नहीं गिरता, वहाँ पे जाएंगे रिकॉर्ड करेंगे, अच्छा लगेगा ना। तो भाई हम वापस जा रहे हैं बीच की तरफ, उसके बाद खाते पीते यार भूख बहुत ज्यादा लग रही है हमें। चलो भाई यहाँ से चलते हैं। तो यार पैरासेलिंग हमने कर ली है, अभी मैं चलाऊंगा जेट स्की, वो भी चलानी है। हाँ भाई रेडी ना, पहले खाना भाई जान। क्यों यार अभी चलाते हैं तो आप क्या हो गया? बेहोश हो जाऊं फिर भूख लग रही है मुझे। यार उस तरह की जेट स्की चलाएंगे हम। तो यार यहाँ पर हमने मंगवाया है स्ट्रॉबेरी शेक, शेक है जूस है, शेक है, शेक है, पानी डलता है ना। हाँ हाँ नहीं ठीक है, मिलावट नहीं करनी चाहिए, सही कह रहे हैं आप। तो भाई यहाँ पर हमने मंगवाया कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई है, यहाँ पर फ्राइज और शॉर्मा है, ये खाते हैं और बस वो जेट्स की करनी है। तो आप मैंने ठीक है अभी भी है, भूल ना जाना तुम चले जाना, मैं नहीं जाता सिद्धांत, कट्टे चलेंगे, डाइविंग करूंगा सिर्फ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बैठा हूँ। वाह जी। तो भाई खाना वगैरह खा लिया हमने, तो आप भी रेडी और मैं भी रेडी हूँ क्या करने के लिए, वापस होटल जाने के लिए, क्योंकि यार थके हैं बहुत ज्यादा। और स्नॉकलिंग वगैरह और बाकी सारी चीजें वो हमने कल आके करनी है, वो और बीच है या यहीं पे आएंगे जहाँ पे दिल करेगा हम आएंगे और वो वाला करेंगे, हम अंदर जाएंगे पानी के स्नॉकलिंग करेंगे और वो जेट्स की भी चलाएंगे, बहुत सारे काम अभी बाकी है पेंडिंग है, आज के लिए इतना काफी है यार। हाँ तो आप यहीं पे देखो आगे होगी टैक्सी, देखो चलो शाबाश, आगे आगे उधर साइड पे चलो चलो, लेट्स गो ब्रदर। सिप्तेन तो यार सिप्तेन बहुत ज्यादा थक चुका है, तो सिप्तेन के ब्लॉग आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं एंड कर रहा हूँ। तो यार सिप्तेन तुम कैसे एंड करता है, तो मैं ट्राई करता हूँ। तो ये थी इधर हो, हाँ बता, तो ये थी दो भूल गया आज का ब्लॉग क्या था। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई जान, मैंने अपना बोल दिया, बाय बाय।